आप सब जिनके पास बुक है आप निकाल लीजिए, और जिनके पास बुक नहीं है सर हमें तो आपके ना ये वाली बुक है गुणस्थान प्रवेशिका, ये आई थी गुणस्थान वहां से। प्रवेशिका। अच्छा, आपके कोर्स में ये वाली आई है साथ में? जी हाँ सर, ये भी हमारे पास भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पुस्तक जो आपके पास है ये भी इस गुणस्थान विवेचन जो आदरणीय ब्रह्मचारी यशपाल जी द्वारा, अन्ना जी द्वारा लिखित है, उसके ही आधार से बनाई गई है, तो हम उसके आधार से चलेंगे। और ग्रुप में हम पीडीएफ भी इसकी कर देते हैं शेयर। पीडीएफ नरेश जी या अजय जी, अगर आपके पास है गुणस्थान विवेचन की, या जो आपके कोर्स में जो आपको प्राप्त हुई है गुणस्थान प्रवेशिका, अगर आपके पास पीडीएफ है, अगर अरेंज हो जाए तो आप डाल दीजिएगा। चलिए, गुणस्थान इस विषय को हम शुरू कर रहे हैं। विषय गुणस्थान का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये विषय है। ऐसा विषय है जो बहुत ही लंबे समय में समझ में आने वाला है, जिसका हम देखेंगे कि विस्तार इतना है कि पूरे जिनागम के कर्णानियों के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ इस गुणस्थान विषय को वर्णन करने वाले हैं। हम सब ने कभी ना कभी गुणस्थान का नाम सुना है, कभी प्रवचन में, कभी कहीं कहीं हम शास्त्रों में जब स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनमें हमें ये शब्द बार बार सुनने पढ़ने के लिए मिलता है, गुणस्थान। ये कौन सा स्थान है? जैसे अन्य स्थान होते हैं राजस्थान या अन्य स्थान, ऐसा ही कोई स्थान है क्या गुणस्थान? किसी क्षेत्र, किसी किसी स्थान का नाम, किसी प्लेस का नाम होगा गुणस्थान। ये सारे बहुत सारे डाउट जब हम गुणस्थान को नहीं जानते हैं, गुणस्थान नहीं समझते हैं, तब हमारे अंतरंग में ये प्रश्न उपस्थित होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पूरे जिनागम का। यूं कहें, हमें जिनागम को पढ़ने समझने के लिए गुणस्थान विषय की जानकारी होना जरूरी है। क्या होते हैं ये, कैसे इनकी बढ़ना, कैसे उतरना, कैसे चढ़ना, कैसे गिरना, चौथा गुणस्थान, पहला गुणस्थान, क्या होता है ये सब, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं गुणस्थान इस विषय में। विषय बहुत ही विस्तृत है और अपने पास जो समय है, मतलब अगर हम समय की बात करें तो टाइम स्प्लिट में हमें जो गुणस्थान को पढ़ाने के लिए समय बताया गया है वो 20 आवर्स, मतलब 20 घंटे दिए गए हैं। 20 घंटे का मतलब हो जाता है कि हमें 10 कक्षा में ये पढ़ाना है, 10 कक्षा में गुणस्थान पढ़ना, मतलब 10 कक्षा में 14 गुणस्थान पढ़ना लगभग असंभव है। क्योंकि अगर 1 घंटे में भी एक गुणस्थान को पढ़े, उसके बाद इसमें पीठिका भी है, उसके बाद प्रश्नोत्तर वाला सेक्शन भी है, ये तीनों हमारे इस विषय में है, गुणस्थान की पीठिका, गुणस्थान के प्रश्नोत्तर और फिर गुणस्थान। यदि हम इनको करते हैं तो 20 घंटे का समय भी बहुत कम है। तो हम बहुत सारे अन्य सोर्सेस से इसको संक्षेप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ मेरे पास भी मटेरियल उपलब्ध है, कुछ पीपीटीज होती है, कुछ चार्ट्स हैं जो हमें गुणस्थान को समझने में उपयोगी रहेंगे। तो सबसे पहले हम इस गुणस्थान की आपको बेसिक जानकारी दे के स्टार्ट करते हैं। किस किस ने गुणस्थान शब्द सुना हुआ है पहले? थोड़ा बहुत भी अर्थ जानते हैं? और थोड़ा बहुत अर्थ कौन कौन जानते हैं? कि हाँ, जानकार है आप सब। बाकी लोग भी अगर वीडियोज ऑन कर सकते हैं आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये विषय बहुत ज्यादा टेक्निकल है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ से सुनाता जाऊं और आप सुनते जाएं। ये विषय ऐसा है कि इसमें कक्षा वाला विषय है। ये कक्षा वाला ऐसा विषय कि सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है मुझे ये जानना जरूरी है, तो फिर उस विषय को उसके आधार से पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका मंगलाचरण आप निकाल लीजिए। बहुत सुंदर मंगलाचरण पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है, उससे पहले ये मंगलाचरण लिखा गया है। अमन जी मैं पढ़ू क्या? हाँ, हम सब साथ में ही पढ़ते हैं, आपको हम अनम्यूट कर देते हैं। नहीं चलिए मुझे सब अपने, मंगलाचरण बहुत, इसका मंगलाचरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ पढ़िए, फिर आप ही पढ़िए। चलिए,
वंदो ज्ञानानंद करनी मिचंद गुणकन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नन दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन जग जायक जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वर से सुधार सधा समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुख का जैनी बानी विविध विधि वरनत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान दिन धन ली मैं न मान बिन दान धन ए नहीं न तन छी यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल हो तो दंगल दूर सब तुम जो बानो दो हो तो दंगल दूर सब तम जो बानो दो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मंगलाचरण है और आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो गोमट सार ग्रंथ की टीका है, उस गोमट सार ग्रंथ की टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जिसपे पंडित टोडरमल जी ने टीका लिखी है गोमट सार ग्रंथ पे, जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, उसका मंगलाचरण है ये। क्यों लिया है यहाँ पे वो मंगलाचरण? क्योंकि वो विषय करणानियोग से संबंधित है और उस ग्रंथ में ही गुणस्थानों का विस्तृत विवेचन है। गोमट सार जीव कांड में उसके ही आधार से यहाँ पर ये मंगलाचरण भी समझ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पास एक कॉपी पेन साथ में रखें, नोट्स आप हैंड टू हैंड बनाते जाइए, क्योंकि ये गुणस्थान का विषय एक बार में याद नहीं होता है, ये याद होना संभव नहीं है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि हम एक बार विषय को समझ ले और नोट करते जाएंगे, फिर दोबारा जैसा होता रहेगा उससे डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले आप इसका हम देखिए, ये जो पूरा विषय है हमारा तीन भागों में डिवाइड है, तीन पार्ट्स इसमें हमने बांटे बांटे गए हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें पहला पार्ट है पीटी का, दूसरा भाग है प्रश्नोत्तर सेक्शन और तीसरा भाग है गुणस्थान। तीन पार्ट्स हो गए और ये तीनों ही पार्ट्स आपके सिलेबस में है, पहला पीटी का, दूसरा प्रश्नोत्तर सेक्शन और तीसरा गुणस्थान। अब क्या क्या है इनमें, क्या क्या आने वाला है? तो पीटिका में गुणस्थान को पढ़ने का, करणानियों को पढ़ने का यूज बता रहे हैं, उसकी उपयोगिता बता रहे हैं, उसका लाभ बता रहे हैं पीटिका में, ये पढ़ना क्यों जरूरी है। दूसरा, प्रश्नोत्तर वाले सेक्शन में इस पूरे विषय में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने वर्ड्स आएंगे, जितने कठिन शब्द ऐसे हैं जिनको आपको गुणस्थान पढ़ने से पहले ही जानना जरूरी है, वो सब प्रश्नोत्तर सेक्शन में आएंगे। वो प्रश्नोत्तर में, मतलब हमने उन्हें अगर पहले समझ लिया तो फिर गुणस्थान को समझने उतनी ही आसानी होगी। और तीसरा खंड जो है वो गुणस्थान का है, जो हमें 14 गुणस्थानों का स्वरूप समझना है। अभी हम जब 10 लक्षण में इस वर्ष मैं गया था सिवनी, तो उन दिनों में 10 दिन में गुणस्थान की 9 कक्षाएं चली थी और विस्तार से गुणस्थान की बात की। तो अब मैं यही करूंगा कि वो गुणस्थान के अपने जो प्रवचन थे, क्लासेस थी, उनको अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप अपना टाइम निकाल के उनको समझ सकते हैं। बहुत ही उसमें आराम से चला था, क्योंकि 10 दिन हमने इंट्रोडक्शन ही लिया और उसमें ये समझ लीजिए हमारा जो विषय चला था वो चौथे गुणस्थान तक हुआ था 10 दिन में, मतलब 10 आवर्स में तो 4 गुणस्थान भी नहीं हो पाए थे। लास्ट से दिन हमने चौथे गुणस्थान को बहुत फटाफट से किया था, पर उसमें जो स्टार्टिंग की बेसिक भूमिका है वो बहुत हमने आराम से ली थी। तो उनके आप पूरी प्लेलिस्ट ग्रुप पे मैं डालूंगा तो आप उसको सुन सकते हैं। एक तो अपलोड कर चुका हूं मैं, ऑडियोज ही है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब क्योंकि वहां पर पीठिका
और प्रश्नोत्तर सेक्शन नहीं पढ़ाया गया था, सीधा हमने गुणस्थान स्टार्ट किया था। तो पीठिका हम यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले निकाल लीजिए, ये जो गुणस्थान का विषय है ये कौन से अनुयोग में आएगा, कौन से अनुयोग में आना चाहिए? करना करना नहीं में कर्णानियोग में। बिल्कुल सही, ये करणानियोग का विषय है। और करणानियोग में किस टाइप का विषय आता है? करणानियोग में मैथ से और सांख्यिकी न्याय शास्त्र तीन लोग की संरचना वगैरह पर इसमें तो गुणस्थान में ना कर्म तीन लोक है और ना कर्म न्याय है। कर्म संबंधी कर्मबंध कार्मिक हाँ, अकाउंट सारे जीव के परिणाम, कर्म, सिद्धांत, इन सब का भी वर्णन विस्तार से करणानियोग में मिलता है। और ये क्योंकि गुणस्थान जीव के ही कर्मों का और परिणामों की विचित्र अवस्थाएं हैं, इसलिए इनका वर्णन भी करणानियोग में मिलता है। केवल ज्ञान गम्य जिसमें वर्णन होता है, सूक्ष्म वर्णन होता है, आसानी से जिसका ज्ञान सामान्य जीवों को नहीं होता है, ऐसा विषय इस में लिया जाता है करणानियोग में, क्योंकि गुणस्थान भी करणानियोग का विषय है इसीलिए। अब सबसे पहले यहाँ पर बहुत अच्छा ये पीठिका ली गई है, बहुत ही मार्मिक है, जिसमें शिष्य ने ये प्रश्न उठाया है, यहाँ से शुरू किया है कि भाई इतने सारे तो पहले से ही ग्रंथ है, आप क्यों नया ग्रंथ लिख रहे हो? टोडरमल जी नहीं, टोडरमल जी क्योंकि इस गोमट सार ग्रंथ की पीठी गोमट सार ग्रंथ की टीका लिखना प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी भाषा में, तो शिष्य का प्रश्न ये उठा है कि पहले से ही इतने सारे शास्त्र है, इतने ग्रंथ है, आप क्यों लिख रहे हो? अब यहां से ये बात शुरू हुई है कि इस ग्रंथ को लिखने की, और फिर आगे बताएंगे करणानियों को पढ़ने की क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है। नरेश जी, आपके पास बुक है? हाँ जी सर ये हाँ, वाली आप रीडिंग स्टार्ट करिए। प्रश्न नंबर 1 है, पेज नंबर जो भी आपकी पुस्तक में हो वहां से शुरू करिए। पेज नंबर 10 पेज प्रश्न नंबर 1। प्रश्न, नहीं बनता है तो उद्यम क्यों कर रहे हो? आप सब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो जितने भी प्रश्न हैं इनमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पर आप कनेक्ट कनेक्शन देखना, एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न कैसे जन्म लेता है। मतलब इस संवाद को देखकर हमें शिष्य की भी बुद्धि का ज्ञान होता है, क्योंकि ये शिष्य भी कोई सामान्य शिष्य नहीं है, टोडरमल जी खुद ही है। मतलब एक विषय की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कौन कौन से तर्क, मतलब लॉजिक शास्त्र का भी उनको कितना ज्ञान था, ये उनके तर्कों को देखकर पता चलेगा। तो अब यहाँ पे ये विषय स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला प्रश्न आया है, नहीं बनता है तो उद्यम क्यों कर रहे हो? इतना कठिन है, इतना मुश्किल है, तो क्यों लिख रहे हो? चलिए, सर अगर बैकग्राउंड नॉइज आए तो बता देना, थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह है अगर, तो उसका उत्तर है प्रश्न तो वैसे ही, नहीं बनता है तो उद्यम क्यों कर रहे हो? उत्तर, जैसे जिनेंद्र देव के सर्व गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी भक्त पुरुष भक्ति के वश होकर अपनी बुद्धि के अनुसार गुण वर्णन करता है, उसी प्रकार इस ग्रंथ के संपूर्ण अर्थ का प्रकाशन करने की सामर्थ्य न होने पर भी अनुराग के वश में अपनी बुद्धि अनुसार गुण अर्थ का प्रकाशन करूंगा। पहला उत्तर ये दे दिया कि भाई क्यों कर रहे हो आप उद्यम, तो सिंपल सी ये बात कही। आपको इसका एग्जाम्पल भक्तामर स्तोत्र है सबसे बड़ा। भक्तामर स्तोत्र में आप कितने काव्य इस तरह के देखोगे, जहां पर मांगतुंग आचार्य ने इस तरह का समाधान किया कि मैं जो भगवान के गुणों का गुणगान कर रहा हूँ, वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के वश होकर कर, कि मैं वाचाल हूँ, मेरे गुणों में मुझसे भगवान के गुणों को देखकर ये भाव आए बिना रह नहीं रहा, इसलिए मैं शक्ति नहीं होने पर भी, अल्प बुद्धि वाला होने पर भी गुणों का वर्णन कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं, जैसे भक्ति के कारण से जिनेंद्र देव के वर्णन करने में वह भक्त जीव समर्थ ना होने पर भी करता है, ऐसे ही कह रहे हैं टोडरमल जी कि अर्थ का प्रकाशन करने की सामर्थ्य ना होने पर भी अनुराग वश, अनुराग है विषय का विस्तार हो, विषय का प्रकाशन हो, भव्य जीवों का लाभ हो, इस अनुराग के वश अपनी बुद्धि अनुसार अर्थ का प्रकाशन करेंगे।
ऐसा यहाँ पर टोडरमल जी ने मान लीजिए ग्रंथ लिखने की सबसे पहले अपनी प्रतिज्ञा बता दी। चलिए प्रश्न नंबर 2, यदि अनुराग है तो अपनी बुद्धि अनुसार ग्रंथाभ्यास करो, किंतु मंद बुद्धि वालों को तो टीका करने का अधिकारी होना उचित नहीं है। अब इसका उत्तर पढ़ते हैं। जैसे किसी पाठशाला में बहुत बालक पढ़ते हैं, उनमें कोई बालक विशेष ज्ञान रहित है, फिर भी अन्य बालकों से अधिक पढ़ा है, तो वह अपने से अल्प पढ़ने वाले बालकों को अपने समान ज्ञान होने के लिए कुछ लिख देने आदि के कार्य का अधिकारी होता है। उसी प्रकार मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, फिर भी काल दोष से मुझसे भी मंद बुद्धि वाले हैं और होंगे ही, उन्हीं के लिए मुझ समान इस ग्रंथ का ज्ञान होने के लिए टीका करने का अधिकारी हूँ। हाँ देखिए, अब अगला ये कहा, अगर आपको अनुराग है तो आप स्वाध्याय करो ना, आप अभ्यास करो, ग्रंथ थोड़ी लिखने बैठ जाते हैं। यदि किसी को थोड़ा अनुराग होता है, परिणाम होता है, तो आप स्वाध्याय करो, ग्रंथ अभ्यास करो। मंद बुद्धि वालों को टीका लिखने का अधिकारी नहीं है, सही नहीं है ये। तो टोडरमल जी ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हाँ, इस काल में, इस युग में अल्प बुद्धि वाले अधिक है, ये बात सही है। पर जैसे क्लास होती है उसमें अल्प बुद्धि वाले बालक अधिक होते हैं, पर उनमें यदि किसी का अल्प बुद्धि वालों में थोड़ा सा ज्ञान अधिक होता है तो वह कार्य करने का अधिकारी होता है। उसी प्रकार सब काल दोष से देखा जाए तो सब मंद बुद्धि है, सबका ज्ञान अल्प है, पर उन्हीं के लिए मुझ समान इस ग्रंथ का ज्ञान होने के लिए टीका करने का अधिकारी, मतलब उन सबका जो ज्ञान काल दोष से कम है, उनको ज्ञान होगा। होगा कैसे? अब ज्ञान पहली अल्प है, उनके ही अर्थ, उनके ही लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये टीका लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये कार्य करना है ऐसा तो आपने विचार किया, किंतु जिस प्रकार छोटा मनुष्य बड़ा कार्य करने का विचार करे तो वहां पर उस कार्य में गलती होती ही है और वहां वह हास्य का स्थान बन जाता है। उसी प्रकार आप भी मंद बुद्धि वाले होकर इस ग्रंथ की टीका करने का विचार कर रहे हैं तो गलती होगी ही और वहां हास्य का स्थान बन जाएंगे। इसका उत्तर पंडित जी लिखते हैं, ये बात सत्य है कि मैं मंद बुद्धि होने पर भी ऐसे महान ग्रंथ की टीका करने का विचार कर रहा हूँ। वहां भूल तो हो सकती है, किंतु सज्जन हास्य नहीं करेंगे। जिस प्रकार दूसरे बालकों से अधिक पढ़ा हुआ बालक कहीं भूल करे तब बड़े जन ऐसा विचार करते हैं कि बालक है, भूल करे ही करे, किंतु अन्य बालकों से भला है, इस प्रकार विचार कर वे हास्य नहीं करेंगे। उसी प्रकार मैं यहाँ कहीं भूल जाऊं तो वहां सज्जन पुरुष ऐसा विचार करेंगे कि वह मंदबुद्धि था सो भूले ही भूले, किंतु कितने ही अति मंद बुद्धि वालों से तो भला ही है, ऐसा विचार कर हास्य नहीं करेंगे। हाँ देखिए, बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ठीक है, फिर ये कहा कि आपने ऐसा विचार किया, ऐसा तो विचार हुआ, पर जो कोई अल्प बुद्धि वाला होता है, मंद बुद्धि वाला होता है, और वो उत्कृष्ट कार्य करेगा, ऊपर का कार्य करेगा, तो चांसेस ये है कि वहां गलती होगी, और गलती होगी तो हास्य का पात्र बनेगा, तो अनेक लोग उसका पात्र हंसी करेंगे। तो फिर ये कहा, उत्तर बहुत अच्छा दिया कि मैं मंद बुद्धि हूं, ऐसा ग्रंथ लिखने का विचार कर रहा हूं, भूल हो सकती है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सज्जन हास्य नहीं करेंगे। क्यों? सज्जन पुरुष का स्वभाव किसी की हंसी करना नहीं होता है, सज्जन तो हास्य करेंगे ही नहीं। कौन? और फिर तर्क क्या दिया? क्योंकि जैसे यहां पर कहा कि कोई विचार, कोई बालक जो है
जो खुद अल्प बुद्धि है पर अन्य अति अल्प बुद्धि वालों से तो भला है। ऐसे कह रहे, इस काल में कितने ही पुरुष मंद बुद्धि वाले हैं, सब अधिक मंद बुद्धि वाले हैं, पर अति मंद बुद्धि वालों से तो भला ही है। कुछ ज्ञान का विशेष है, उपशम तो था ही। टोडरमल जी जैसे विद्वान जिनके बारे में हमने इतना सुना है, पढ़ा है, और जिन्होंने ऐसे ऐसे महान ग्रंथों की टीका करी है, उस झपशम ज्ञान के आधार पर वे ये बात कह रहे हैं कि अति मंद बुद्धि वालों जैसा तो नहीं हूं। तो ऐसा अति मंद बुद्धि वालों से भला होने पर उस अपने ज्ञान के लिए, उस ज्ञान को दूसरे जीवों को जिससे ज्ञान हो वे भी उस बात को समझे, अर्थ का प्रकाशन हो, इस उद्देश्य से मैं ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। और ये कह रहे हैं ऐसा विचार कर हास्य नहीं करेंगे कौन, कि सज्जन पुरुष तो हास्य नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, हाँ, प्रश्न। सज्जन तो हास्य नहीं करेंगे किंतु दुर्जन तो करेंगे ही। उत्तर, दुष्ट तो ऐसे ही होते हैं जिनके हृदय में दूसरों के निर्दोष भले गुण भी विपरीत रूप ही भासते हैं, किंतु उनके भय से जिसमें अपना हित हो ऐसे कार्य को कौन नहीं करेगा। हाँ फिर कह रहे हैं कि हंसी सज्जन नहीं करेंगे तो दुर्जन तो करेंगे, तो फिर दुर्जन हंसी करेंगे तो दुर्जन का तो स्वभाव ही यही है। अगर दुर्जनों को देखते रहेंगे तो आप अच्छा काम कैसे करोगे, या दुर्जन हंसेंगे या कोई हंसेगा, कोई हंसी तो नहीं करेगा। ऐसा यदि देखेंगे तो कोई भी उत्तम कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं दुर्जन का तो स्वभाव ही ये है कि आप जितना भी अच्छा काम करोगे उसके गुण भी दुर्जन के हृदय में विपरीत ही भासते हैं, मतलब उसको तो वो उल्टे ही लगते हैं। इसलिए मैं अपना अपना ऐसा जानकर अपना हित कौन नहीं करेगा। तो जब जैसे लोक में भी होता है ना कि हम कोई काम यदि अच्छा काम है और हमें ऐसा लग रहा है कि लोग हंसेंगे, तो ऐसा सोचकर हम अपने हित के कार्य को करना तो बंद नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पे दी, जैसे हम मान लीजिए कोई रात्रि भोजन त्याग की है, आलू प्याज के त्याग की बात है, अच्छा काम है। अब इसमें सोचकर आज के लोगों को, सबको ऐसा लगता है कि भाई किसी को पता चलेगा तो वो हंसेंगे, हमारे जो कलीग्स होंगे या हमारे फ्रेंड्स होंगे तो वो जानेंगे तो ऐसा लगेगा हंसेंगे, कि जो दुर्जन होंगे वे दुर्जन तो हास्य करते ही है, सज्जन हास्य नहीं करेंगे। और दुर्जन यदि हंसेंगे ऐसा सोचकर क्या हम अपने हित रूप कार्य को करना बंद कर दें, कि ऐसा तो सज्जन व्यक्ति करेंगे नहीं। अगला, हाँ, पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज दिया है, और पीटीएसटी पे फ्री में वो डाउनलोड भी हो सकती है जिसको चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, एक सेकेंड, ये वाली बड़ी वाली बुक में ये है, इस वाली बड़े बुक वाले में, गुणस्थान इसमें भी है विवेचन में A17, भी है। क्योंकि दो तीन लोगों ने कहा था उनके पास है ये वाली बुक। सॉरी, मैं 1 मिनट दिखाती हूँ। अच्छा ये वाली बुक में है, हाँ, इसमें भी है, पेज नंबर 11 है। इसमें पेज नंबर 18 है, 19 है अच्छा मेरी बुक हाँ, हो सकता है थोड़ा अलग एडिशन। में। 11, 11, सॉरी, 11। हाँ 11 ही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू, 5 पढ़ते हैं। हाँ, समझ आ रहा है आप मूल सभी को प्रश्न? मतलब इन विषयों को देखकर हमें टोडरमल जी की बुद्धि के साथ साथ उनकी लघुता का भी ज्ञान हो रहा है, कि वो ऐसे ही नहीं कि मन में आया चलो ग्रंथ लिख देते हैं, कि नहीं, उससे पहले वो खुद की बुद्धि को टेस्ट करने के लिए, खुद के अपने उन परिणामों को चेक करने के लिए, मैं क्यों लिख रहा हूँ कि सज्जनों की मतलब भव्य जीवों का लाभ हो, नहीं करेंगे गलत हो गया तो हंसी के पात्र बनेंगे, तो अपने उस मतलब ये परीक्षा प्रधानी होने का लक्षण बताते हैं टोडरमल जी, क्योंकि स्वयं परीक्षा प्रधानी थे और सभी जीवों को परीक्षा बुद्धि ग्रहण करने का ही उपदेश देते हैं। इसलिए ग्रंथ लिखने का परिणाम भी आया तो ऐसे नहीं कि लिख दिया सीधा, पहले उससे पहले भूमिका बनाई, पीठिका बनाई, उपयोगिता क्या है, पढ़िए। हाँ, 5वां प्रश्न है। पूर्व ग्रंथ तो है ही, उन्हीं का अभ्यास करने कराने से ही हित होता है। मंद बुद्धि से ग्रंथ की टीका करने की महंतता क्यों प्रकट करते हो। उत्तर, ग्रंथ का अभ्यास करने से ग्रंथ की टीका रचना करने में उपयोग विशेष लग जाता है, अर्थ भी विशेष प्रतिभास में आता है। अन्य जीवों को ग्रंथाभ्यास करने का कराने का संयोग होना दुर्लभ है, और संयोग होने पर भी
किसी जीव को ही अभ्यास होता है। ग्रंथ की टीका बनने से तो परंपरागत अनेक जीवों को अर्थ का ज्ञान होगा, इसलिए अपना और अन्य जीवों का विशेष हित होने के लिए टीका करते हैं। महंतता का तो कुछ प्रयोजन ही नहीं है। अब ये सन्मुख प्रश्न आया, हाँ कि ठीक है आपने कहा अपना हित करना है, तो ग्रंथों का अभ्यास करने से हित होगा? मंद बुद्धि ग्रंथ की टीका करने से, मंद बुद्धि होने पर आप ग्रंथ की टीका करने चले हो, इससे तो आप अपनी महानता दिखाना चाहते हो। महंतता मतलब महानता क्यों प्रकट करते हो? तो फिर टोडोमल जी ने कहा कि ग्रंथ का अभ्यास करने से तो उपयोग लगता है ही, पर उसकी टीका करने से तो विशेष उपयोग लगता है। आप देखो ना, जैसे हम आपको एक विषय प्रवचन में आप सुनो उससे, और आपको कहा जाए कि उस विषय आप सुने हुए विषय के आप नोट्स बनाइए, तो उसमें उपयोग विशेष लगता है। मतलब आपको, और उसके कहा जाए आपको उससे आधारित कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है, असाइनमेंट करने हैं, तो उस विषय को जो हमने सुना है, सामान्य रूप से पढ़ा है, पर ऐसे असाइनमेंट करने में, विशेष कुछ करने में, उसमें उपयोग अधिक लगता है कि नहीं, उसका और लाभ होता है। ये सब जो असाइनमेंट आदि दिए जाते हैं वो सब इसीलिए है। तो ये कह रहे हैं अन्य जीवों को ग्रंथाभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ है। मतलब सबको तो आप ग्रंथाभ्यास नहीं करा सकते, कितनों को पढ़ाएंगे, पर आप एक ग्रंथ लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे तो उससे अनेक जीवों का परंपरागत लाभ होता जाएगा, जो पढ़ेगा उसका लाभ होगा। अपनी आप लाइफ में देखो, पूरे जीवन में देखो, आप 100 लोगों को पढ़ा सकते हो, पर एक ग्रंथ लिखने के बाद हो सकता है कि उससे 10 गुना लोग उसको आपके बाद पढ़ते रहेंगे। तो कितना आगे की सोच इस तरह से टोडोमल जी की बुद्धि रही, और उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य यही है कि अपना और अन्य जीवों का हित हो, यहाँ पर महंतता हम महानता नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, अब ये मीटिंग अपनी 7 मिनट्स में एंड हो जाएगी, तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सत्य है कि इस कार्य में विशेष हित होता है, किंतु बुद्धि की मंदता से कहीं भूल से अन्यथा अर्थ लिखा जाए तो वहां महापाप की उत्पत्ति होने से अहित भी होगा। आंसर: यथार्थ सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवल ही भगवान है, दूसरों को ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान है, उनको कोई अर्थ अन्यथा भी प्रतिभा से उनको कोई अर्थ अन्यथा भी प्रतिभा से किंतु जिनदेव का ऐसा उपदेश है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों के वचन की प्रतीति से वह हट से वह क्रोध मान माया लोभ से वह हास्य भयादिक से यदि अन्यथा श्रद्धा करे वो उपदेश दे तो वह महापापी तथा विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना वह अपने विशेष क्षयोपशम बिना कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभाषित हो और वह ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसा ही है, ऐसा जानकर कोई सूक्ष्म अर्थ की श्रद्धा करे वह उपदेश दे तो उसको महत पाप नहीं होता। वही इस गोमटसार जीव कांड ग्रंथ में भी आचार्य श्री नेमिचंद्र ने कहा है, सम्माइट्टी जीवो उइट्ठं पवयणं तु सद्दहदि सद्दहदि असद्भावं अजानमानो गुरीणियोगा। हाँ देखिए, अब ये कहा फिर सीधा प्रश्न ये कहा कि अगर आप मानो ठीक है आपका उद्देश्य तो ठीक है हित करने का, पर यदि बुद्धि की मंदता से कहीं भूल हो जाएगी तो और उल्टा पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप है, कहीं गलत लिख देना इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है, आगम विरुद्ध कुछ ना हो जाए। तो फिर टोडरमल जी ने ये कहा कि देखो भाई, सब पदार्थों के ज्ञाता तो सर्वज्ञ भगवान ही है, लोकालोक को तो वे ही जानते हैं, सब पदार्थों को यथार्थ जानना तो उनके ही ज्ञान में संभव है, अन्य कोई नहीं। जितने बाकी सब जान रहे हैं वो क्षयोपशम ज्ञान के अनुसार जानते हैं, और उनके ज्ञान में अन्यथा भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, संशय नहीं है, पर
अब इस अन्यथा जानने में भी दो तरह का अन्यथा जानना है। एक व्यक्ति है जो क्रोध मान माया लोभ हास्य ऐसा अंतरंग में भाव होने से अन्यथा जानता है, लिखता है कि अंतरंग में कोई लोभ है और लोभ होने से वो गलत बताता है। अंतरंग में कोई उसके छल कपट है, छल कपट के कारण से अन्य जानता है और लिखता है। यदि कोई ऐसा होगा, ऐसा अन्यथा प्रतिभाषण होगा, तो वहां तो कह रहे हैं महापापी है वो। अगर कोई ऐसा अंदर में कषाय के बाद कषाय होने पर ग्रंथों की लिखना करता है या उपदेश देता है तो वह तो महापापी है। पर दूसरा कोई है कि जिसके अंतरंग में कषाय तो नहीं है, पर जिसका क्षयोपशम ही अपने आप में अल्प है सामान्य रूप से, और उस अल्प क्षयोपशम के कारण से कोई सूक्ष्म अर्थ, जो बहुत ही बारीक अर्थ है, ऐसा कोई अर्थ अन्यथा जानने में भी आ जाए, पर उसका श्रद्धान ये है कि देखो मेरे ज्ञान में गलत हो सकता है, पर जिनेंद्र भगवान की बात गलत नहीं है, जिनेंद्र भगवान ने तो ऐसे ही कहा है, उन्होंने तो ये बात बताई है, मुझे समझ नहीं आ रही है, मेरे ज्ञान में कुछ अन्यथा हो रहा है, ऐसा जो जानकर यदि उसके द्वारा कहीं थोड़ी बहुत चूक भी हो जाए तो उसको कह रहे उसको महापापी नहीं है। समझ आई ये पॉइंट आपको? कषायों के साथ यदि गलत अर्थ किया जाएगा तो वो पाप है, महापाप है, और कषायों के बिना यदि कोई सूक्ष्म गलत अर्थ भी किया जाएगा तो वो महापाप नहीं है, वो आपके क्षयोपशम ज्ञान के कारण से होता है। ये टोडरमल जी ने तर्क दिया। इसके बाद आगे पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। आपने विशेष ज्ञानी से ग्रंथ का यथार्थ अर्थ सर्व अर्थ का निर्णय करके टीका करने का प्रारंभ क्यों नहीं किया? उत्तर: काल दोष से केवली श्रुत केवली का तो यहाँ अभाव ही है, और विशेष ज्ञानी भी विरले ही मिलते हैं। जो कोई हैं वे तो दूर क्षेत्र में हैं, उनका संयोग दुर्लभ है, और आयु बुद्धि बल पराक्रम आदि तुच्छ रह गए हैं। इसलिए जितना हो सका उतने अर्थ का निर्णय किया, अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण हैं। हाँ, फिर ये हेतु दिया कि चलो आप कह रहे हो ठीक है आपका ज्ञान कम है, तो फिर आपने किसी विशेष ज्ञानी को क्यों नहीं ढूंढा जिनसे पहले आप पक्का कर लेते, आप पहले अपने ज्ञान में फाइनल कर लेते, अपना निर्णय अच्छा करके फिर लिखना प्रारंभ करते, ये किए बिना आपने क्यों लिखना प्रारंभ किया? तो उत्तर ये दिया कि देखो जो यथार्थ ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है, वे तो केवली श्रुत केवली होते हैं, और इस पंचम काल में केवली श्रुत केवली दोनों का ही अभाव है, और विशेष ज्ञानी भी मिलने दुर्लभ है, क्योंकि विषय भी ऐसा है हर किसी के ज्ञान का उतना विषय बनता नहीं है, कर्णानियों का विषय है, सूक्ष्म विषय है, तो ऐसे विशेष ज्ञानी भी दुर्लभ है। जो कोई है वो दूर क्षेत्र है, जैसे टोडरमल जी के समय का हमें पता चलता है कि जब उन्हें पता चला था कि भाई ये षटखंडागम आदि ग्रंथ ये कहाँ से कहाँ थे कि साउथ में, वे जयपुर में टोडरमल जी और साउथ में, तो ऐसे कुछ लोग उन ग्रंथों को लेने जो जानकार थे वो गए भी थे, पर इतने दूर क्षेत्रों में है कि अल्प रास्ते में ही किसी की आयु पूरी हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, मतलब ऐसे जानकार भी बहुत दुर्लभ थे। ऐसे होने पर अब जो कुछ रह गए हैं वो कम बुद्धि वाले रह गए हैं, अल्प आयु बल ये सब रह गए हैं, तो जितना उन्होंने जाना है उन सबसे प्रमाण करके ही जाना है, जितना जाना है उसे प्रमाण समझना, बाकी जो है वे तो केवली ही पूर्ण ज्ञाता है। पढ़िए आगे। हाँ, अभी 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ। 8 नंबर: आपने कहा वह सत्य है, किंतु इस ग्रंथ में जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का क्या कुछ उपाय भी है? उत्तर: एक उपाय ये करते हैं, ज्ञानी पुरुषों का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं है, इसलिए उनको परोक्ष ही ऐसी विनती करता हूँ कि मैं मंदबुद्धि हूँ, विशेष ज्ञान रहित हूँ, अविवेकी हूँ, शब्द न्याय गणित धार्मिक आदि ग्रंथों का विशेष अभ्यास मुझे नहीं है, अतः मैं शक्तिहीन हूँ। फिर भी धर्मानुराग के वश होकर टीका करने का विचार किया है, उसमें जहाँ कहीं भूल हो जाए, अन्यथा अर्थ हो जाए, वहां मेरे ऊपर क्षमा करके उस अन्यथा अर्थ को दूर करके यथार्थ अर्थ लिखना। इस प्रकार विनती करके जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का उपाय किया है। हाँ, पढ़िए आगे का प्रश्न हाँ, नंबर 8 हमने अभी पढ़ा था।
और उसमें ये कहा था कि अगर आपसे कुछ भूल होती है तो आपने कुछ उसका समाधान, मतलब उसको दूर करने का कुछ उपाय है कि नहीं है, उसके लिए क्या सोचा है। तो फिर ये कहा कि देखिए कि जो ज्ञानी पुरुष का संयोग है वह तो नहीं है, पर जो भी पढ़ेंगे उनसे मैं परोक्ष रूप से ये विनती करता हूँ कि मैं मंद बुद्धि हूँ, विशेष ज्ञान रहित हूँ, अविवेकी हूँ, शक्तिहीन हूँ और टीका करने का विचार किया है। उसमें जहां कहीं भी भूल हो जाए तो उसको सुधार कर पढ़िएगा। ज्ञानी पुरुषों से ये विनती करके उन्होंने यहाँ पर शुद्ध होने का उपाय किया है कि उस भूल को क्षमा करके उसको सुधार कर पढ़ने के लिए पहले ही, मतलब सावधान करने के लिए बोल दिया है। तो मतलब ऐसे नहीं कहा कि भाई देखिए कोई गलती नहीं हो सकती मुझसे, मैं इतना बड़ा विद्वान हूं कैसे हो जाएगी मुझसे गलती, ऐसा नहीं कहा। मतलब ये उनकी लघुता को दिखाने वाले वाक्य हैं, ऐसा लघुता। और सिर्फ टोडरमल जी के नहीं, आप और आचार्यों के ग्रंथों में भी इस तरह से आप देखोगे, अंत में जब प्रशस्ति होती है, अंतिम कलश आदि लिखते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि भाई ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, और यदि कुछ है तो उसमें भी यदि कुछ भूल हो जाती है तो वे सुधार कर ज्ञानी जनों से पढ़े। इस तरह से टोडोमल जी ने बात कही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। आपने टीका करने का विचार किया, ये तो अच्छा किया है, किंतु ऐसे महान ग्रंथ की टीका संस्कृत में ही चाहिए। भाषा में तो उसकी गंभीरता भाषित नहीं होगी। उत्तर: इस ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो पूर्व में है ही, किंतु वहां संस्कृत, गणित, आमनाय आदि के ज्ञान रहित जो मंद बुद्धि है उनका प्रवेश नहीं होता है। यहाँ काल दोष से बुद्धि आदि के तुच्छ होने से संस्कृत आदि के ज्ञान रहित जीव बहुत हैं। उन्हीं को इस ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान कराने के लिए भाषा टीका करता हूँ। अतः जो जीव संस्कृत आदि सहित विशेष ज्ञानवान हैं, वे मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अर्थ धारण करें। जो जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान रहित हैं, वे भाषा टीका से अर्थ ग्रहण करें। और जो जीव संस्कृत आदि ज्ञान सहित है, परंतु गणित, आमनाय आदि के ज्ञान के अभाव से मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, वे इस भाषा टीका से अर्थ को धारण करके मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश करें। तथा जो भाषा टीका से मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अधिक अर्थ हो सके, उसको जानने का अन्य उपाय बने वह करें। हाँ देखिए, प्रश्न ये उठाया कि भाई ऐसे ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ, इन सब की तो टीका संस्कृत में अच्छी लगती है, संस्कृत में होनी चाहिए। तो कहा टोडोमल जी ने कि ऐसे इस गुमट सार नामक ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो ऑलरेडी है, पूर्व में ही है, उसको क्या लिखना। और जो पर आज जीव ऐसे हैं बहुत सारे कि जो संस्कृत, गणित आदि के ज्ञान से रहित है, तो उन जीवों के लिए मैं भाषा टीका बनाता हूँ, मतलब हिंदी में टीका बनाई है, हिंदी में वही बात वही भाव लिखने का प्रयास किया है, पर उन जीवों को ध्यान में रखकर किया है कि जो संस्कृत आदि के ज्ञान से रहित हो। फिर भी ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे ही ग्रंथ पढ़ना, ये कह दिया अगर आपको संस्कृत आती है, आपको गणित आता है, तो आप वो ग्रंथ पढ़िए, मूल ग्रंथ पढ़िए, संस्कृत टीका से अर्थ ग्रहण करो और अपना कल्याण करो। पर यदि आप संस्कृत आदि, गणित आदि के ज्ञान से रहित हैं, तो फिर इन भाषा टीका आदि, मतलब उसमें अगर आप प्रवेश नहीं पा रहे हो, तो फिर भाषा टीका से अर्थ को ग्रहण करके मूल ग्रंथ पे पहुंचो। पहुंचना तो हमें घोमट सार का ही ज्ञान करना है, उद्देश्य तो वही है कि मूल आचार्यों की बात तक पहुंचाना। जितने टीका होती है, जितने अनुशीलन होते हैं, जितने ये छोटी पुस्तक लिखी जाती है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आचार्यों की कहाँ है, इसे क्यों पढ़ते हो, ये तो हिंदी है, ये तो कुछ संस्कृत का खोलो, कुछ प्राकृत का खोलो। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये जो जिन्होंने लिखी है उनका उद्देश्य यहाँ पर अपनी बात बताना नहीं है, उनका भी उद्देश्य आचार्यों की बात बताना है। और यदि किसी ने टीका करी है तो उसी भाव को ध्यान में रखते हुए सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और देखिए ये तो टाइम के हिसाब से चलता है, जैसे आज से 2000 वर्ष पहले प्राकृत भाषा चलती थी, तो आचार्य कुन कुन देव ने प्राकृत भाषा में गाथाओं की रचना करी, समय सार ग्रंथ की रचना करी या पंच परमागम की करी।
फिर उनके 1000 वर्ष बाद थोड़ा संस्कृत का प्रचलन हुआ, तो अमृतचंद आचार्य ने टीका लिखने का सोचा, तो उन्होंने उस समय की प्रचलित भाषा में लिखा कि आज के जन भाषा जन जीवों को उसका ज्ञान हो सके, इसलिए उन्होंने संस्कृत का सहारा लिया। फिर आज जो मतलब कुछ वर्षों पहले, 150 वर्ष पहले जितने टीका हैं, जितनी व्याख्याएं, जितने अनुशीलन लिखे गए, वो सब हिंदी में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आज ना तो प्राकृत का अधिक ज्ञान है ना संस्कृत का अधिक ज्ञान है, आज हिंदी सबको आती है। हो सकता है आज से 10-15 साल बाद, और आज भी होने ही लगा है, कि हिंदी की भी टीका लिखना बंद हो जाए और इंग्लिश में लिखनी पड़े। इंग्लिश आप कोई कहे इंग्लिश वाली तो खराब होती होगी, कि नहीं, यहाँ उस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार मूल आचार्यों की बातों का सिर्फ भाषांतरण किया गया है, भाव वही है, तो उद्देश्य वही है कि आप इसलिए सीख लीजिए जिससे आप मूल आचार्यों के भावों को पकड़ सकें। इसलिए बात कही कि हाँ मतलब संस्कृत टीका में प्रवेश करने का ही उसे उद्देश्य है, उसे जानने का उपाय अन्य बना रहे हैं। पढ़िए आगे। प्रश्न नंबर 10, संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा अभ्यास में अधिकार नहीं है। उत्तर, संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा बांचने से तो कोई दोष आते नहीं है, अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे ही करना। पूर्व में अर्धमागधी आदि भाषा में एक महाग्रंथ थे, जब जीवों की बुद्धि की मंदता हुई तब संस्कृत आदि भाषा में ग्रंथ बने। अब जीवों की बुद्धि की विशेष मंदता हुई, उससे देश भाषामय ग्रंथ करने का विचार हुआ। संस्कृत आदि ग्रंथ का अर्थ भी भाषा द्वारा ही जीवों को समझाते हैं। यहाँ भाषा द्वारा ही अर्थ लिखने में आया तो कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार विचार कर श्रीमद् गोमठसार द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के अनुसार सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक ये देश भाषा में टीका करने का निश्चय किया है। सर आगे बढ़ लो, काफी लंबा है। हाँ आगे पढ़िए। श्री अरंत फिर मैं देव जी, पढ़ूं? देखिए एक बार इसको मैं समझाता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा विषय बदल रहा है। अब ये इतना लास्ट में कह दिया कि संस्कृत वालों को हिंदी भाषा भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं है, पर उन्होंने कहा ऐसा कोई दोष नहीं है, ऐसे में कोई गलत बात नहीं है। फिर वही एग्जाम्पल दिया कि मूल अगर हम देखेंगे केवली की वाणी, तो मागधी अर्ध मागधी इन भाषाओं में, फिर ग्रंथों की रचना हुई प्राकृत में, फिर संस्कृत में हुई। अब देश टोडरमल जी का समय लगभग आज से 300 साढ़े 300 वर्ष पूर्व, तब उन्होंने भाषामय ग्रंथ लिखे, और आज के समय में तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करके लिखा जा रहा है, तो भाषा द्वारा ही अर्थ लिखने में आए तो कोई दोष नहीं है। इस प्रकार ऐसा करके विचार करके गोमठसार द्वितीय नाम जिसका पंच संग्रह है, ऐसे ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के अनुसार ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका बनाने का निश्चय किया है। ये टोडरमल जी ने अपनी यहाँ पर पीठिका प्रस्तुत कर दी, जिसमें वह ग्रंथ क्यों लिखने वाले हैं, मतलब टीका क्यों लिखनी स्टार्ट करी है, वो लिखा है। चलिए अब अमिता जी आप पढ़िए आगे का। अब यहाँ से ये जीव अब इस टॉपिक पर आगे, ठीक है आप ग्रंथ तो लिख रहे हो, अब ये बताओ कि हमें ये पढ़ना क्यों जरूरी है, आपने अपना लिखना क्यों जरूरी है ये तो बता दिया, आप लिखना क्यों चाहते हो ये तो बताया, पर पढ़ना क्यों जरूरी है, नहीं पढ़े तो कुछ नुकसान है क्या, हमारा जैसा चल रहा है चलने दीजिए, हमें तो थोड़ा बहुत कहानी कथा भक्ति ये सब सुनाते रहिए, हमारा कल्याण हो जाएगा, क्यों लाते हो ये जबरदस्ती गुणस्थान का विषय। आप में से भी किसी को ऐसा हो सकता है कि कोर्स में क्यों रख दिया ये गुणस्थान, हमें कौन सा गुणस्थान बढ़ाने हैं, हम तो जैसे है वैसे ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे इस विषय को पढ़ने की उपयोगिता बताई जाएगी, पढ़िए आगे। श्री अरहंत देव जिन वाणी निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रसाद से तथा मूल ग्रंथ कर्ता श्री नेमी चंद्र आदि आचार्यों के प्रसाद से यह कार्य सिद्ध हो। अब इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते हैं। हे भव्य जीव, तुम अपने हित की वांछा करते हो तो तुमको जिस प्रकार हित बने उस प्रकार ही इस शास्त्र का अभ्यास करना। आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष बिना अन्य जो है वह पर संयोग जनित है, विनाशी है, दुखमय है
और मोक्ष ही निज स्वभाव है, अविनाशी है, अनंत सुखमय है, इसलिए तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। मोक्ष के उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं। इनकी प्राप्ति जीवादिक का स्वरूप जानने से ही होती है। उसे कहता हूँ जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। बिना जाने श्रद्धान का होना आकाश के फूल के समान है। प्रथम जाने फिर वैसी ही प्रतीति करने से श्रद्धान को प्राप्त होता है। इसलिए जीवादिक का जानना श्रद्धान होने से पूर्व ही होता है। वही उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का कारण रूप जानना। श्रद्धान होने पर जो जीवादिक का जानना होता है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। श्रद्धान पूर्वक जीवादि को जानते ही जीव स्वयमेव उदासीन होकर हेय का त्याग उपादेय का ग्रहण करता है, तब सम्यक चारित्र होता है। अज्ञान पूर्वक क्रिया कांड से सम्यक चारित्र नहीं होता है। इस प्रकार जीवादि को जानने से ही सम्यक दर्शन आदि मोक्ष के उपाय की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इस शास्त्र के अभ्यास से जीवादि का जानना यथार्थ होता है। जो संसार है वह जीव और कर्म का संबंध रूप है, तथा विशेष जानने से इनके संबंध का अभाव होता है, वही मोक्ष है। इसलिए इस शास्त्र में जीव और कर्म का ही विशेष निरूपण है, अथवा जीवादि षट द्रव्य सप्त तत्वादि का भी इसमें यथार्थ निरूपण है। अतः इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना। अब यहाँ अनेक जीव इस शास्त्र के अभ्यास में अरुचि होने के कारण विपरीत विचार प्रकट करते हैं, उनको समझाते हैं। अनेक जीव केवल प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का ही पक्ष करके इस करुणानुयोग शास्त्र के अभ्यास का निषेध करते हैं। हाँ देखिए, पूरा ये बता दिया कि यहाँ पर अब आत्मा का हित मोक्ष है, और मोक्ष अन्य मतलब दुख रूप नहीं है, सुख रूप है, अविनाशी है, अनंत सुख में है, और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। फिर सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, और सम्यक चारित्र क्या है, और इन सबको ये कहा कि पदार्थों के, जीवादि पदार्थों की यथार्थ जानना, यथार्थ श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, उनका यथार्थ जानना ये सम्यक ज्ञान है, और ऐसे श्रद्धान ज्ञान पूर्वक होने वाली हे उपादेय की जो पहचान है, पर पदार्थों से हे जानकर उनसे उदासीन होना, ये सम्यक चारित्र है। तो ये कब होगा, जब आप पदार्थों को जानोगे, जब पदार्थों का, जीवादि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होगा, तभी तो सब श्रद्धान होगा, तभी आप उसका सम्यक ज्ञान कर पाओगे, तब उसमें से हे क्या है, उपादेय क्या है, ये जान पाएंगे। इसीलिए तत्वादि पदार्थों को जानना इन ग्रंथों के आधार से जानना जरूरी है। भाई आप जीव की बात है, अजीव है, आश्रव बंध, ये वर्णन कहाँ मिलेगा, करणानि युग में तो मिलेगा, और सातों ही तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहा, इसलिए उन पदार्थों को जानना, सातों तत्वों को जानना जरूरी है। अब यहाँ पर चारों अनियोगों मतलब तीन अनियोग, करणानि युग का तो विषय चल ही रहा है, पर बाकी तीन अनियोग का ये जीव जो निषेध जो बाकी तीन अनियोग को पढ़ने वाले जो करणानि युग का निषेध करते हैं, उन जीवों को एक एक करके समझाएंगे। सबसे पहले प्रथमा नियोग, चरणा नियोग, द्रव्य नियोग। आप देखो, हमें भी अपने आसपास ऐसे तरह के जीव मिल जाएंगे, ये कहीं और नहीं है, ये हम सब आपके बीच में ही है। हो सकता है हम भी इनमें से किसी एक कैटेगरी में आ रहे हो। कोई कहता है हमें तो कोई कहानियां सुना दो बढ़िया, हम तो उससे वितरागता निकाल लेंगे, हम उसी से सम्यक दर्शन करेंगे, हमें तो कहानी किस्सों में मजा आता है। कोई दूसरा ये कहता है कि नहीं, कहानी किस्सों से कुछ नहीं होगा, कुछ करते हैं तो लाभ होगा, कुछ पूजन करो, कुछ दान दो, दान की बातें करो, पूजन की चर्चा करो, दान की प्रेरणा दो, तप की बातें करो, उपवास की बातें करो। तो वो चरणानियोग के वाले आते हैं कि उन्हें चरणानियोग का पक्ष होने से, कहते हैं कि ये करणानियोग की बातें मत करो, कुछ करो तभी तो होगा, क्या बैठ के बातें करते हो सिर्फ, ये इतना लोक है, इतना ये है, इतना ये है, ऐसे कर्म है, कुछ करो तो ये आते हैं दूसरे। और तीसरे आते हैं कि ना हमें कहानी किससे चाहिए, ना हमें व्रतादिक चाहिए,
और ना हमें ये तुम्हारे तीन लोक कर्म सिद्धांत चाहिए, हमें तो शुद्ध आत्मा की बातें बताओ। ऐसे वाले आते, किसी आत्मात्मा की बात बताओ आप तो, तब उससे होगा कल्याण। तो ये जो तीनों प्रकार के जीव हैं, ये जिनागम के एक अंश को या एक अनियोग को पढ़ के पकड़ के उसके पक्ष जो धारण कर लेते हैं और बाकी अनियोगों की या अन्य अनियोग इस कर्णानियोग की विशेष रूप से उपेक्षा होती है। आप खुद सोचो, हम भी अपने अगर अपने उसमें भी लगाए, आपके अगर हम स्वाध्याय की बात करें, आप जितना स्वाध्याय करते हैं या होता है, तो उसमें कर्णानियोग के ग्रंथों का कितना परसेंट होता है? हो सकता है कि हमारे द्वारा भी ऐसे विषय मुश्किल जानकर, कठिन जानकर या अनुपयोगी समझकर गौण हो रहे हो जाते हैं, बहुत देखा जाता है। मतलब अब तो क्लास कोर्स में इसलिए हम पढ़ रहे हैं, अगर कोर्स में नहीं होता तो गुणस्थान कितने लोग पढ़ते, तो हम कहाँ देखते। हो रहा है ना कि हम उस एक अनियोग के विषय में, हम उसके प्रति, आप देखो, आप सोचिए, क्योंकि लोगों को इसकी रुचि नहीं होती है, समझते नहीं, इसलिए तत्वार सूत्र भी हमने पढ़ा तो उसमें से तीसरा चौथा अध्याय नहीं था, तो वो हमसे ऐसा कम 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 होके मुश्किल मुश्किल समझ के वो उपेक्षित हो जाता है और वो हमारे द्वारा अभाव ही हो जाता है, हमें उसका ज्ञान नहीं हो पाता। और ये कह रहे हैं कि यद्यपि वो जिनवाणी का अंश है तो इसलिए वह भी वीतरागता का पोषक है, और वीतरागता का पोषक है, और यहाँ तक ये कहेंगे कि सम्यक दर्शन आदि के लिए, विशेष विशेष ज्ञान के लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। इसीलिए ऐसे चारों अनियोगों के ज्ञान बराबर होना चाहिए। अब एक एक अनियोग के पक्षपाती को यहाँ पर समझाएंगे। अब हम ये, इसका एक दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है, इस पीठिका का एक दूसरा सेक्शन ये अब शुरू हो रहा है, जिसमें चारों अनियोगों के पक्षपाती को समझाकर शास्त्राभ्यास के लाभ बताए जाएंगे। अब हम ये वाला जो टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब क्योंकि हमारा जो विषय है ये बहुत बड़ा है, तो अब आप सब, मतलब बीच में भी अभी कब जब समय बनेगा तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते रहेंगे, और उसके लिए आप सब अपना मानसिक रूप से तैयारी बना के रखिए, क्योंकि यद्यपि ये गुणस्थान का जो विषय है लगभग 1 महीने चलने का है, अगर आपको बराबर पढ़ने का है तो, पर हमारे पास इतना समय नहीं है, समय तो बहुत है पर हम डेली नहीं ले सकते हैं, डेली नहीं हो पाती है, तो जब भी हो सकेगा हम उसको करेंगे, और बिल्कुल कोशिश ये करेंगे कि हम इस विषय को समझ पाए। आज जितना चर्चा हुई है, आज जितना टॉपिक हुआ है, उसमें से किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एक बार मैं पूरा ब्रीफ कर देता हूँ। आकाश के फूल क्या क्या मिलेंगे? हाँ जी, आकाश का फूल है सर, कहाँ इसमें एक पे? एग्जाम सर, एक उदाहरण आया है कि ये उसी तरह से है जैसे कि आकाश का फूल आकाश का जो पहले। फूल मतलब ये होता है जो असंभव है, जो पॉसिबल ही नहीं है, आकाश में फूल नहीं होते, ये असंभव चीज के लिए उदाहरण दिया जाता है, उसके लिए कहा ओके है। ठीक है, तो आज का जो विषय आया है वो ये आया है, टोडोमलजी ने यहाँ पर, हमने मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण के लिए यहाँ पर गोमट सार ग्रंथ की जो टीका, उसके आधार पर टोडोमलजी ने भाषा टीका लिखना प्रारंभ किया है। उस भाषा टीका के लिखने के लिए पहले पीठिका लिखी कि क्यों लिखना आवश्यक, तो कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। बहुत सरल विषय है, बिल्कुल रीडिंग वाला ही था, इसलिए हमने आज करी। चलिए, आप अभी की क्लास हम यहीं पे समय करते हैं। हाँ जी, अमन जी, ये जूम आईडी का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग ले लेते हैं एक जूम आईडी। सर मेरी बात हो हाँ गई है जी अमन सर हाँ से, नरेश जी और भी कह रहे थे कि ले लेते हैं, पर फिर मैंने कहा कि उसका उतना यूज नहीं होगा, अगर आप नहीं अपन सबके पास, लेके रख देते ना, बाकी किसी को यूज करना है तो कर सकते हैं। लेके रख सकते हैं, मतलब अगर, मतलब अनु जी का शायद मेरे पास आया था कि उनके पास है अवेलेबल पेड वाली, ओके तो आप एक बार उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए। अनु जी, आप अपना जो आईडी पासवर्ड है वो आप शेयर कर दीजिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार सेटअप बन जाएगा तो नरेश जी, अजय जी, आपके कंप्यूटर में वो अल्टरनेटिव लॉगिन रहे या आपके पास डिटेल्स रहे, तो कभी हमें जरूरत पड़ी तो उनकी लॉगिन, मतलब साइन अप करके, तो फिर हम उससे मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ठीक है अलग से नहीं लेने की आवश्यकता लगी, और अगर है तो हमारे पास उपलब्ध है। कर लेते हैं सर, दो आईडी हो जाएगी। आशीष जी भी बहुत, सिर्फ हाँ सैटरडे इवनिंग को नहीं है, बाकी उनकी होती है, बट अनु जी और आशीष जी का कर लेते। हाँ प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि कि जो नोटिफिकेशन आता है, जो नोटिफिकेशन आता है वो जिसका आईडी उन्हीं के पास आता है,
इसलिए अच्छी अच्छी की बात हाँ थी, इसलिए हाँ वो अच्छी। सही है, ये भी है। तो इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास अगर रहेगी तो फिर हम कभी भी ले सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होगी। जब फ्री हुआ, जब सबका म्यूचुअली डिसाइड होता है टाइम, तो एक आईडी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं अनुज जी की, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो। अगर जिस क्लास में मैं होंगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिर। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। और अगर मतलब आपका आईडी पासवर्ड हो तो फिर अगर आप नहीं होंगे तो वो कोई और भी होस्ट कर सकता है। सर ये बड़ी बात नहीं, हमारी क्लास रेगुलर चलनी चाहिए। जो अजय जी की भावना है वो है कि हाँ जी अनइंटरप्टेड, जैसे जब जब आपका पास टाइम हो, जब विद्यार्थियों का हो तो हम बात कर लेते हैं और क्लास अनइंटरप्टेड चले, यही भावना है और यही कोशिश है बिल्कुल, हाँ जी हाँ करना। जी कर सकते हैं। कोई भी नेक्स्ट आपको उसमें, हाँ जी, नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास अपनी नेक्स्ट सैटरडे रहेगी, और अगर बीच में भी रही तो हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि आईडी अवेलेबल का थोड़ा इशू है। अगर रहेगी तो हम जरूर आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी को जय। जय श्री जय जय।